एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो टुडे इज द डे 4 ऑफ ट्राइंग वायरल रेसिपीज। सो इस समय जो बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, लेट मी शो यू, इट इज दिस, द बर्गर पिज्जा। सो दिस बर्गर पिज्जा, यू गोना लव दिस। ये एक परफेक्ट स्टार्टर है या फिर स्नैक्स है, आपके कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, सो आप उन्हें एक बार जरूर टेस्ट कराएं, उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। जस्ट लुक एट दिस, इट इज सच अ ह्यूज साइज, और ये उतना ही ज़्यादा फुलफिलिंग है। ढेर सारी वेजीज है, चीज़ है, सो इस चीज़ इस बर्गर को बनाना बिल्कुल भी मिस ना करें, और इसकी रेसिपीज देखते हैं आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बर्गर पिज्ज़ा बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा बर्गर बन, जो कि कंपल्सरी है ऑफकोर्स। इसे हम पहले बीच से ऐसे कट कर लेंगे। आपको इस बन को पहले हल्का सा बटर में आगे और पीछे दोनों तरफ से हल्का सौते कर लेना है। सो फिलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी सॉसेस। वेजीज में आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर लिया है, आप इसमें चाहे तो कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेयोनीज फॉर द क्रीमी टेक्सचर, दैट्स इट, और थोड़ा सा ऑरिगेनो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिज्ज़ा पास्ता सॉस, आप चाहे जितना ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मुझे इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे इसे ऑलमोस्ट 2 स्पून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। सॉल्ट ऐड नहीं करना है क्योंकि इस केचप में ऑलरेडी काफ़ी सॉसेज होती हैं, सो रिमाइंड दिस एंड मिक्स इट वेरी वेल। ओके, सो ये आ गया हमारा पैन। नाउ ऐड द बटर, अब हम इसे दोनों साइड से इस तरीके से सेक लेंगे अच्छे से, जस्ट लाइक दिस, पलट लें और दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लें। सो नेक्स्ट, अब हम अपने पूरे बर्गर को असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम अपने बंस ले लेते हैं, इसके एक साइड पे हम लगाएंगे टोमेटो केचप, एंड द अदर साइड थोड़ी सी चिली सॉस। इन सबको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे नीचे एक लेटस का टुकड़ा या फिर पत्ता गोभी कह लीजिए, इसे पहले एक नीचे रखेंगे हम। अब इसके बाद हमने जो पिज्ज़ा फिलिंग रेडी की थी, हम इस पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ओके, इसे अच्छे से फिल कर दें। ध्यान रखिए आप अपनी पिज्ज़ा फिलिंग थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाइएगा, तभी इसमें वो पिज्ज़ा बर्गर, तभी इस पिज्ज़ा बर्गर में वो पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आएगा। इसे अच्छे से फिल कर दें, बिल्कुल इस तरीके से। सो अब हम इस पे लगाएंगे अनियंस, अनियंस एंड 1 पीस ऑफ टमाटो। ऊपर से थोड़ा सा पनीर ग्रेट करेंगे, आप चाहे तो इस पे पनीर के पीसेस भी रख सकते हैं। दोनों बंस पे अच्छे से पनीर ग्रेट कर लें। सो नाउ, इसके बाद हम एक पिज्ज़ा स्लाइस को अपने नीचे वाले बन पे अच्छे से प्लेस कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। ध्यान रखिए पिज्ज़ा स्लाइस टूटे नहीं, बस इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। सो इसे ऐसे प्लेस कर लें, एंड इट्स ब्रोकन। ये पहले काफ़ी ज़्यादा फ्रीज था इसलिए ऐसे टूट गया, जस्ट इसे धीरे से ऐसे प्लेस कर लें कि बस ये बाहर ना गिरे। अब हम अपने फर्स्ट बन को इसके ऊपर अच्छे से ऐसे रख देंगे धीरे से। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया है, जस्ट लुक एट दिस। और अब हम इसके ऊपर से एक और चीज़ स्लाइस ऐड करेंगे, ध्यान रखिए ये वाली पक्की ना टूटे, वरना आपका ऊपर से बर्गर पिज्ज़ा दिखने में थोड़ा एवरेज लग सकता है। सो जस्ट स्लोली स्लोली ओपन करें, प्लेस कर लेंगे इससे पहले कि इसका शेप बिगड़ जाए, एंड इट्स डन। यहाँ पे मैंने ले ली है थोड़ी सी प्याज, इसे अच्छे से इस तरीके से प्लेस करते जाइए जैसे ये पिज्जा पे इसकी प्लेटिंग होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। थोड़ा सा कैप्सिकम, जस्ट लुक मोर गुड। ओके, सो अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, बट इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है।
सो आपको ये बर्गर पिज्जा रेसिपी कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसमें चिली फ्लेक्स अवॉइड कर सकते हैं अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो, वरना इसमें पनीर है, चीज है, बहुत फुलफिलिंग है। जरूर एक बार ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई वियर्ड रेसिपी है तो कमेंट में जरूर बताएं, हम उसे जरूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।